ये किसान है, ये मेवाड़ का इलाका है, यहाँ की जनता में इतनी पढ़ाई लिखाई है, इतनी होशियारी नहीं, राजनीतिक चेतना नहीं है, इनका दुरुपयोग हम नेताओं को नहीं करना चाहिए, इनके भविष्य के साथ हमको नहीं खेलना चाहिए, बार बार खिलवाड़ मत करिए इन जनता के साथ, सही चीज करनी करिए। और मान लो ऐसी चीज कांग्रेस की सरकार है और कांग्रेस ने अगर ऑर्डर निकाल दिया सारी चीज करी, आप इनको कांग्रेस वालों को समझाइए काम, आप कहिए कि साहब हम घुटा करते हैं यहाँ से इस मंच से, अब कांग्रेस वाले जाओ बात पर कहिए, कांग्रेस वालों से जाइए, कांग्रेस वाले करा के लाइए, फिर कॉमन पास है किस बात का, कांग्रेस वालों को ही चाहिए आप और करा के लाओ, और पूछे कांग्रेस वाले बात करें, आज बात करें धीरे जी से बात कर रहे हैं, रामलाल जी से बात कर रहे हैं, मौका आएगा तो कल परसों जयपुर भी जाएंगे, मुख्यमंत्री से बात करेंगे, सारे मंत्री से बात करेंगे, ठीक है ना, तो ये तो वाजिब बात है, बीजेपी वाले कहेंगे आप कराई, लेकिन बीजेपी वालों आर बीच में सुई चुभो दे वो काम आ रहा है, इसलिए आप अच्छा माने बुरा माने, मैं पहले मैंने निवेदन किया हमें भाषण के लिए, हमें भाषण जहां देना होता देता हूँ, जहां नहीं देना होता नहीं देता, आज ये भाषण का विषय नहीं, केवल ये है कि आपको एक ही निवेदन करता हूँ, जैसे हमारे राम सचिव सरपंच साहब ने बोला, सरकार को दबाव लगाने के लिए, सरकार पे दबाव लगाने के लिए, ये प्रजातंत्र, प्रजातंत्र में निर्णय होता है संख्या से दबाव आता है, नेताजी जीते आज खंडेलवाल जी जीते थे, इनको ज्यादा वोट मिला इसलिए फ्रंट पे बैठे हुए, क्योंकि जनता ने इनको ज्यादा वोट दिया और हमको कम दिया था, इनके पीछे बैठे हुए धीरे धीरे यहाँ पे हाथ जोड़ने पड़े, आगे आगे वोट जाता बात यहाँ के वोट न हो तो ये फ्रंट पे बैठे बैठने पड़े, इसका मतलब ये है कि सारा का सारा प्रजातंत्र में गणित चलती है वोट से, चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे खेती करता हो चाहे व्यापार करता हो, चाहे व्यापार करता हो चाहे राज करता हो, लेकिन राज करने वाला कलेक्टर का वोट भी एक होता है, पार्लियामेंट के मेंबर का भी एक वोट होता है, बकरी चलाने वाले बच्चे का भी एक वोट होता है, ठान लीजिए प्रजातंत्र में आपकी बहुत बड़ी ताकत, और प्रजातंत्र में ताकत के लिए आपको जब भी कोई चीज होती है एक मदारी आता है, डमरू बजाता है, डमरू बजा कर ये बनाना बुढ़ा उन्हें ये करके नीचे कुकड़ो निकल जाओ दाना बुटे लो, ये मदारी का खेल नहीं हो रहा है, ये नहीं कि आपने उसको ढकना फोटो और का लगाया, एक हाथ में लियो मुट्ठी ली, मुट्ठी में आगे और खोलते हैं के निकलते, ये मदारी का खेल नहीं, बहुत गंभीर विषय, और खास तौर से मेरा जैसे आदमी का, हम सीमाएं भी रखते हैं, कानून कायदा भी समझते हैं, नियम भी समझते हैं, और कौन से आदमी से कैसे काम निकालना वो भी समझते हैं, आज कई तरह की अफवाहें चलती, विवेकी जाकर क्यों नहीं आ रहे, विवेक जी आपके पिताजी आ रहे हैं, विवेक जी क्यों नहीं आते, क्लियर कर देता हूँ, विवेक जी मेरे पीछे, मेरे बाद में नेता बने, मैं उससे पहले नेता हूँ, ये भीलवाड़ा तो कहीं नेता पैदा ही नहीं हुआ, उससे पहले की नेता कहीं कर रहा हूँ, बना नेता तो मुझे माना पैदा ही नहीं हुआ, मुझे माना की डरना राजनीति कर रहा हूँ, उनका नहीं आने का मुख्य कारण, कई लोग यहाँ पे बातें उल्टी सीधी कर रहे हैं, प्रवचन दे रहे हैं, बहुत से लक्ष्यकार भाषण दे रहे हैं, उनका मुख्य कारण ये, मैंने कह रखा कि हम गवर्नमेंट कांग्रेस के अंग है, क्योंकि आप चुनाव हारे हुए एमएलए हो कांग्रेस के, इसलिए अगर वहां जाओगे तो गवर्नमेंट में कोई भी आपके कहेगा सरकार के खिलाफ कूद क्यों जा रहा, हम तो काम नहीं कर, इसलिए मैंने कहा कि आप वहां मत जाइए, कारण कोई उंगली नहीं उठा सके कोई ऊपर का नेता, तो तू तो खुद ही उठे धरना बैठो वहां के खिलाफ आरोप काम कर, ये समझ में आई क्या बात, नहीं केवल मानिए टायर थोड़ी देर भाटन देर थोड़ी चाय पी आ रहे कचोरी कार फाटा तो भाई आप रोजे जाओ माफी दी इसलिए जैसा भी है आपको इस आंदोलन को कंटिन्यू रखना जब तक अपनी सफलता नहीं मिले, और मैंने ये भी कहा आपके मंच के बड़े जो संचालन कर रहे हैं जो संघर्ष कर रहे हैं ये जितने भी बीजेपी के नेता बैठे इनसे भी कह रहा हूँ अगर आप बीजेपी कांग्रेस की इतनी बात कर रहे हैं आप अपने अपने पंचायत को अपने अपने क्षेत्र से यहाँ पे लिखवाइए कितने कितने लोग किस किस तारीख को यहाँ भेजेंगे धरने में लिखवाइए केवल आदमी आज ना दो के आ गया एक लो देर बाहर निकल मुझे तो एक नहीं आ रही हो तो आराम पीर मंच बने तो बोले बाहर निकल काम जारी इनको पाबंद करिए कितने लोग लाएंगे आप आदमी एक नहीं बात दुनिया भर की इसलिए मैं भी मेरे इलाके में क्षेत्र में मैं ऊपरमाल इलाके में भी मैंने कल मैंने परसों आया था परसों मैंने सबको टेलीफोन कर दिया ये 16 पंचायतों का आंदोलन नहीं है पूरी विधानसभा का आंदोलन
पंचायत का नाम लेने की जरूरत नहीं, मानपुरा रिलायदार महुआ उसका आंदोलन नहीं, कुछ नहीं। ये 16 पंचायतों का आंदोलन, पूरी मांडगढ़ विधानसभा का आंदोलन, चाहे वो प्रभावित है या नहीं। सभी नेता, जो जो भी नेता यहाँ आ रहे हैं, मैं उनका व्यक्तिगत प्रभाव देखना चाहता हूँ जनता को, अपने व्यक्तित्व से कितने लोगों को यहाँ पर भीड़ इकट्ठी करता है। नेता लिखवाएगा रजिस्ट्रेशन में कि कल की तारीख में मेरे क्षेत्र से इतने लोग आएंगे, आप भीड़ लेना। दूसरी चीज और है, जब भी विधानसभा को इनका चुनाव होता, सारी चीज हम नेता लोग क्या करते, फोटो लगाते हैं नेता, ये जिंदाबाद इनके नेतृत्व में मुंह कह रहे, जो भी सरपंच या जो भी नेता लोग हमारे बीजेपी के यहाँ का इलाका में जितना, तो यहाँ के गाड़िया के ऊपर यहाँ का फ्लैग लगा लगा लिया, अच्छा फ्लैग लगा फोटो लगा लो, यहाँ का खंडेलवाल जी का, शक्ति सिंह जी का, सबका फोटो लगा लगा लो। हमें आज भी चाहिए, हमें सरकार पर दबाव लेने की, हमारे से सरकार नहीं देगी, ये हम बैठे हमसे सरकार नहीं देगी, सरकार देगी आप लोगों की ताकत। इसलिए सुन लीजिए, समझ लीजिए और फर्क करना सीखिए। बाजार में एक महिला भी जाती है मटका खरीदने के लिए, तो मटका देखता है भी नहीं उन्हें, मटका वाला ने पैसा नहीं दिया, बड़ा बड़ा ऊंचो कर उन्हें टक क्या लगा, टक 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 टक। जब एक मटका में थी आप बता रही माँ बेटा, जब टक टक लगाओ ना खरीदे मटको सही है। ये मटको पानी जो बाजे पानी रोक ही गई ना। डबो डबो मजाक कर लो, थोड़ी थोड़ी कर लो मजा, ये जतरा भी देवता है ना, यहाँ पे रोज ढोल चाल के बाद रोते कोला मोटे मामी सुना सोशल मीडिया में वो भाषण दे रहे हो, जोर जोर बोल रहे हो, इच्छा है कि आप ही चला आपकी भी दुकान जमा, लेकिन आए ही खतरा आया कि बाद में मुंह सोच रहे हो तो मुंह की हमारी दुकान चला उतार रहे, तो वो आज ही रात बोल रहे थे देवता ही ना रहे, सुबह 5 बजे आए, अरे देवता अब तो आ जाओ रे, टोली टूट जाएगी। सारी चीज का मूल मंत्र क्या है, सब चीजों का साथ, और कोई भी आदमी अगर यहाँ उल्टी सीधी बात करता है कितने बड़ा नेता, ये आपकी ताकत की बात करता है। हम यहाँ खड़े थे यहाँ पे, हम लोगों को मालूम कि आदमी नरंत माफ ले कहता तो बीस मिनट जाए मुंह बोलने जितना ना, और बहुत कड़ी बात करूँ नए गांव में कहता था गांव को मौत हो जाए तुमने रात में टेलीफोन कर दिया, और दूसरे उनका परिवार का नहीं जाओ पहले माच लेते, वो तो मोड़ा है माच से भाई पहले, कारण हर आदमी का स्तर होता। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि ये मामला केवल 2 बिंदु पर टिका हुआ, मांडवगढ़ विधानसभा क्षेत्र की जो 16 पंचायतें जिनको शाहपुरा में कर दिया गया, उनको मांडगढ़ विधानसभा का अंग मानते हुए भीलवाड़ा जिला में ही रखा जाए, इसके अलावा हमारा तीसरी कोई मामला, सही बात, वो चाहे खैरार क्षेत्र हो, चाहे उगरमाल क्षेत्र हो, चाहे सिंगोली एरिया हो, चाहे आपका कोई सा भी एरिया। तीसरी चीज, मांडगढ़ विधानसभा में एक गड़बड़ और हुई जो कि मेरे ख्याल से आज तक ऐसा आदेश भी सुनने में नहीं आया होगा, बंडियार उप तहसील वर्षों से उप तहसील बनकर के सरकार की बिल्डिंग बनी हुई, उप तहसीलदार वर्षों से काम कर रहा है, वहां थाना है बंडिया से वर्षों से काम कर रहा है, और दूसरे विभागों की जितनी भी बिल्डिंग है वो वर्षों से वहां बिल्डिंग बनी हुई काम कर रहा है। अभी अभी आदेश आया कि पटवार सर्कल है सवाई पुल का, कोई ना कोई राजनीति उसमें खुशी, मेरी कन्याला जी को खुश हो, चाहे खंडेलवाल जी को, चाहे मालवी जी को, ये नेता के उसमें ये राजनीति घुसेड़ी, राजनीति ऐसी घुसेड़ी कि तहसील तोड़ बना दिया सवाई पुल को और उप तहसील को कर दिया उसके लिए, कलेक्टर ने एसडीओ के नीचे लगा दिया, कलेक्टर ने खुद नीचे लगा दिया, एसडीओ के नीचे लगा दिया, और आराम नीचे वाला फिर हर चीज ऐसा कभी होता है क्या? क्रमोन्नत तो जो चीज होती है, एक मास्टर क्रमोन्नत होगा, एक तहसीलदार क्रमोन्नत, एसडीओ बनाएगा, एसडीओ नीचे तो नहीं चले जाए ऊपर जाए ना, तहसील उप तहसील क्रमांक तहसील बनेगी, पटवार सरकार क्रमांक उप तहसील में होगा, तहसील में कैसे हो जाएगा? ऐसे ऐसे आदेश भी निकले, इसका मतलब यहाँ की राजनीति में बहुत बड़े पेच, भीलवाड़े की राजनीति में बहुत बड़े पेच, मैं किसी का नेता का नाम लूंगा न किसी का, लेकिन इस पेच में कई लोग पेच उलझे हुए, कहीं छोटी छोटी पीने उलझी हुई, कहीं मोटा पेच फंसा हुआ, कोई मोटा कहीं की लकड़ फंसा मिलियो, और फणा फणा फंसा मिलियो, मीने तो लकड़ फंसा बाढ़ आराम तो लगा हुआ, फिर चश्मे लगा पाता हूँ उल्टी करके,